पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर, सीधे तौर पर आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पर आए हैं। सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे और सत्य के लिए और अहिंसा के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन को समर्पित किया और सारे देश में दुनिया में वो आदर्श माने जाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो सत्य की ताकत होती है वो अनबीटेबल होती है। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते हमेशा होता है। और कल सच की विजय हुई है। सच को झूठलाने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे, नौ समन को उन्होंने ठुकराया। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे लेकिन कट्टर बेईमानी का काम कर रहे थे, लेकिन अंततो गत्वा सत्य की विजय हुई। हमने यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ ली है और दृढ़ता के साथ ली है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसको हम जीवन पर्यंत लड़ते रहेंगे। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को देश में, समाज में, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति ने क्यों ना किया हो, उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लड़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राजघाट पर हमने शपथ ली है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेरा दिल्ली आज तक।